शुरुआत करेंगे। बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार हमारी पूरी कास्ट को यहाँ पर मिल रहा है, एंड इसी के लिए मुझे लगता है कि अब ज़्यादा इंतज़ार किसी को नहीं करवाना चाहिए, बिकॉज द स्टार ऑफ दिस अमेजिंग अमेजिंग मूवी दे ऑल आर हियर, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन यू कैन सी द फेसेस ऑफ दिस फिल्म, एंड आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू प्लीज हैव अ सीट, गिव देम सम स्पेस, थैंक यू सो मच। यहाँ पे क्रॉस कर गया है और मुझे लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना है, इनसे एक बार एक स्टेप तो जरूर सीखे। तो आई थिंक एंड विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, इट्स टाइम टू वेलकम ऑन द स्टेज नन अदर देन द स्टार ऑफ देहाती डिस्को, हमारे मास्टर जी। अच्छा यार, सो कैन यू हैव द स्टार ऑफ दिस मूवी ऑन द स्टेज प्लीज। सर आपको कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी कोई भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बचपन से लेकर अभी मैं जितनी बड़ी हो गई हूँ आपको देखकर ही हमने नाचा है, और मुझे लगता है अगर डांस की डेफिनेशन किसी से पूछी जाती है तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि गणेश आचार्य जी। सो मास्टर जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। देहाती डिस्को सिनेमा घरों में आने वाली है, बहुत सारी तैयारियाँ, प्यार ऑलरेडी ऑडियंस से बहुत मिल रहा है, बहुत सारी चीजें जो आपसे पूछने वाले हैं, लेकिन आप फिलहाल इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद कहूंगा कि बहुत सारा प्यार मिल रहा है, मिलता है और मिलता रहेगा। आज मैं बहुत खुश हूं इस बात के लिए कि देहाती डिस्को के ट्रेलर 15 मिलियन पहुंचे और उसके बाद फिर दोनों गाने 5-5, 6-6 मिलियन तक। हम जैसे छोटे लोगों को इतना प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगा कि इस फिल्म की जो बैकबोन है, म्यूजिक जो शिवामन ने दिया है, मैं उनको स्टेज पे बुलाऊँ। शिवा प्लीज कम। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, लॉकडाउन में हम लोग रात को जूम कॉल पे 3-3, 4-4 बजे तक सुबह बात करते थे, और बहुत बहुत ही मुझे सपोर्ट किया शिवा ने। थैंक यू शिवा। थैंक यू, गुड इवनिंग एवरीवन। माता पिता गुरुदेवम, इन दिस लॉकडाउन माय फेवरेट, आई एम अ बिग फैन ऑफ गणेश जी, एंड ही कॉल्ड यू हैव टू डू दिस सॉन्ग्स, एंड ही मेंशन अबाउट द मिट्टी, अबाउट द मट, यू नो द अबो मट्टी। सो I felt really, you know, because that's our culture, you know, our man. So I agreed for that. And then in this lockdown, my wife Runa was helping me to contact the singer. He lives in Bangalore. So we were just in FaceTime, and so the song, every song I have composed and I sent to Master G, and he really enjoyed. And thank you once again, entire team, and Master G, thank you for bringing me for Dehati Disco, and all the best, and yeah. अब मैं बात करना चाहता हूँ जो मेरे फिल्म में बच्चे ने जो रोल किया है, बच्चा है, लेकिन उसके पहले मैं और एक बच्चे की बात करना चाहता हूँ। जब मैं गाना करता था बाहर में, तब एक बच्चा मेरे साथ मेरे गोद में आके डांस करता था, मेरे साथ बस में डांस करता था। मैं मतलब कहीं जगह, स्विट्जरलैंड, इंडिया, यूएस, हर जगह वो बच्चा मेरे साथ बहुत डांस करता था। मैं तब बहुत गौर से देखता था, ये कुछ कमाल है, और वो कमाल हो गया। वो आज बच्चा बहुत बड़ा स्टार बन गया है और यहाँ पर मेरे फिल्म देहाती डिस्को को सपोर्ट करने आया है। मैं चाहता हूँ प्लीज़ वेलकम वरुण धवन विथ माई छोटू वरुण धवन सक्षम। सक्षम प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, एंड इट्स टाइम टू वेलकम द स्टार ऑफ बॉलीवुड, द किंग ऑफ डांस, वरुण धवन। कम ऑन एवरीबॉडी, वेलकम वरुण, वेलकम सक्षम। मजा आ रहा है सक्षम को, बहुत बहुत एक्साइटेड है।
तो ये हैं हमारे स्टार्स जिन्होंने मिलकर एक बहुत ही अमेजिंग सी फिल्म बनाई है. सो सक्षम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हाउ आर यू फीलिंग? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी पहली फिल्म आ रही है और मेरे को सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है. अब ऐसे लग रहा है, मैं सच में बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि अपुनिच भगवान है. ओ माय गॉड, भाई बहुत टैलेंटेड है ये. और सक्षम, मैं आपको बताना चाहूंगी, आई थिंक आप अभी बहुत छोटे हो लेकिन फिर भी आपका जो दिमाग है वो बहुत बड़ा है. और हमारी इंडस्ट्री में जब भी कोई आता है, जब भी कोई डांस सीखना चाहता है और उसे अगर एक बार मौका मिल जाए इनके पास खड़ा होने का, तो वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता है. आपको ये लॉन्च कर रहे हैं तो आपका करियर आप सोच सकते हो कि आगे क्या होने वाला है. सो सक्षम के मॉम डैड भी यहाँ पर हैं, सो एक बार जोरदार तालियां जाए हमारे स्टार के लिए. पूरी फिल्म में सर इसने जो साथ दिया है आपका, इट वॉज अमेजिंग अमेजिंग. एंड जिस छोटे बच्चे की आप बात कर रहे थे जो आज बहुत बड़ा हो चुका है, सो कम ऑन एवरीबॉडी, मुझे नहीं लगता है कि इनके लिए मुझे कुछ कहना चाहिए. So here we have the star of dance, star of the Bollywood, and welcome here. Thank you so much for coming here. And sir, बता रहे थे ढेर सारी stories आपकी कि आप बचपन में इनके साथ bus में, rehearsals पे, film के set पे हमेशा dance करते थे. I know बहुत सारी stories होंगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ that what story you love the most. First of all, good evening to everyone who've come here, and I think that बहुत befitting है कि मास्टर जी एक डांस के ऊपर फिल्म बना रहे. और पहला जब प्रोमो देखा था मैंने, तो मास्टर जी से मैंने खुद पूछा था कि मास्टर जी ये म्यूजिक किसने किया है इसका, बिकॉज आई लव द वे कि म्यूजिक जिस तरीके से, क्योंकि जो भी म्यूजिक दे रहा है वो डांस के प्रति उसका बहुत प्रेम होगा या म्यूजिक को अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत गहराई में जाके इंसान ने समझा है म्यूजिक और ऐसा म्यूजिक दिया. एंड देन ही टोल्ड मी शिवा मनी सर ने दिया है, एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि मैं ये स्टेज पे हूँ इन दोनों लेजेंड्स के साथ आज. एंड बेटा बेटी, इसने तो बिल्कुल सही कहा कि आप ही भगवान है. इवन मैं यही बिलीव करता हूँ कि बच्चे ही भगवान होते हैं, क्योंकि वो लोग इतने प्योर होते हैं उस वक्त. और फिर जब हम लोग थोड़ा बड़े हो जाते हैं, थोड़ा करप्ट हो जाते हैं ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स, बट मास्टर जी का जो प्रेम है डांस के प्रति वो कभी करप्ट नहीं हुआ है. वो अभी भी अगर कोई भी गाना हो, किसके लिए भी गाना कर रहे हैं, वो बुलाएंगे, बोले रिहर्सल हॉल में आओ, एंड ही विल टीच यू हिमसेल्फ. इट डजेंट मैटर आर्टिस्ट कौन है, छोटा बड़ा, कितना सक्सेसफुल, नहीं सक्सेसफुल, चाहे 3 पिक्चरें चली नहीं या चली, जो भी, डजेंट मेक अ डिफरेंस. वो उसी श्रद्धा के साथ लोगों को गाना सिखाते हैं और मूवमेंट सिखाते हैं. मूवमेंट की जो जो स्मॉल स्मॉल बारीकी है, जो अदा है, जो वो ये सिखाते हैं. आई डोंट थिंक सो दिस. और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ और ओपनली कह सकता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसा, हमारे पूरे इंडियन इंडस्ट्री में आई मीन दैट, कोई ऐसा कोरियोग्राफर नहीं है जो डांस इतने प्यार से सिखाता है. एंड दैट्स व्हाई द परफॉर्मेंसेस आर सो गुड. यू कैन सी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट. सो आई हैव अ वेरी क्विक क्वेश्चन फॉर यू वारन. आपको एग्जैक्टली वो टाइम याद है जब आप इनसे फर्स्ट टाइम मिले थे, पहली मुलाकात आपकी, डू यू रिमेंबर दैट टाइम? नहीं, मुझे फुल याद है. और मुझे सेट पे चिची भैया याद है, डैड याद है और मास्टर जी याद है. और इतनी धूप होती थी उस वक्त और मास्टर जी रेडी होते थे, अभी भी कैड्स पहने, तभी भी कैड्स पहनते थे और हमेशा होते, हाँ सर रेडी रेडी रेडी, हाँ साउंड, और एक विसिल बजाते थे ऐसा और मतलब चालू हो गया. मतलब एक्टर को डांस आता भी नहीं तो उसके पैर हिलने लगेंगे, क्योंकि वो जिस एनर्जी से शुरू करते थे ना कि, और फिर कोई सही नहीं कर रहा था वो ऐसे बोले, नहीं 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 नहीं, थोड़ा बेटा वो समझो तुम, वो जिसमें एक ना एक अदा है, एक मस्ती है, तू मस्ती पकड़, वरन तू मस्ती पकड़, इसमें हल्का हल्का तू लाउड थोड़ा सॉफ्ट पकड़. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो मैंने इनको इतना ऑब्जर्व किया है बचपन से लेके आज तक, इतना ऑब्जर्व किया है और कभी थकते नहीं है. और बेस्ट तो इनका जो रिलेशनशिप मेरे डैड के साथ है, मेरे डैड इनको इतना प्यार, मतलब ही लाइक्स, आई थिंक ही लव्स मास्टर जी मोर देन ही लव्स मी एंड रोहित, ही जस्ट लव्स हिम. बहुत डांटते मेरे को फोन करके, गाना आज क्या गाना लो तूने, क्या मैं उतने प्यार से उनकी डांट खा के आता हूँ, क्योंकि मुझे डेविड जी ने बेसिकली बनाया है. साजन चले ससुराल फर्स्ट फिल्म ने की थी, तुम ते धोखे जाओ बाज हो, उसके बाद उनके साथ मैंने 46 फिल्में की है कंटिन्यू. एक ही ऐसे डायरेक्टर है बॉलीवुड में जिनकी मैंने 46 फिल्म की और आगे को हो नहीं सकता, वो है डेविड धवन जी. और बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मतलब फ़ोन करेंगे पहले तो डांटेंगे, क्या रहे फिर क्या फ़ोन क्यों नहीं कर. तो वो प्यार जो है बहुत मिलता है. मैंने वरुण को,
मतलब हम स्विट्जरलैंड में शूटिंग करते थे, उसमें सब हम साथ में जाते थे एक ही बस के अंदर, तो वो कॉरिडोर में वरुण डांस करता था, मुझे पता है क्या बात, माल डांस होता था। सो बहुत सारी स्टोरीज हैं आप दोनों के साथ में। एंड वरुण सर ने बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके लिए कोरियोग्राफी किया है, सबसे पहले तो नाम आता है चीची जी गोविंदा जी का, जिनके हम बहुत बड़े फैन हैं, और उनके सारे गाने जब भी हम देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भूल पाता है उन गानों को। और सलमान जी को भी इन्होंने जो सिखाया है, सलमान खान आई थिंक ही इज द किंग, एंड उनके सारे इन्होंने अनिल कपूर को भी नचाया, इन्होंने किसको नहीं नचाया, आई थिंक मेरे पास नहीं, वी ऑलवेज नेम द सुपर्ब डांसर, इन्होंने अजय देवगन को नचाया है, अनिल कपूर को, अजय देवगन जी को भी नचाया है, दत्त एब्सोल्युटली, जो एक्टर कौन सनी देओल, यस यस, सर स्टेप था, कौन सा स्टेप था, मेरा दिल ले गए ओए कमो के दर, मेरा दिल ले वो और मुझे लगता है कि सक्षम एंड वरुण आर द मोस्ट लकीस्ट स्टार वी हैव ऑन द स्टेज राइट नाउ, क्योंकि आपने सलमान जी को सिखा दिया जुड़वा में, राइट, और हमारे कुड़ी नंबर वन में, हीरो नंबर वन में आपने सिखा दिया गोविंदा जी को, राइट, और इन्होंने दोनों फिल्में कर दी, दोनों गाने मिक्स कर दिए इन्होंने, दोनों फिल्में की, दोनों, तो आई थिंक यू आर द लकीस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, एंड आप तो शुरुआत कर ही रहे हैं आपके करियर की सर के साथ, सो मुझे लगता है कि दोनों बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं गणेश जी को, राइट, सो कैन वी हैव अ हुक स्टेप ऑफ सर, आई थिंक मास्टर जी का, जो देहाती डिस्को का अभी चैलेंज चल रहा है ना, मैंने अभी भी देखा, yes, yes, yes. लोग कर रहे हैं, I think वो आज हमें लाइव करना चाहिए, कोई रिकॉर्ड कर लो प्लीज, करेक्ट, एंड विल डू दैट, विल डू दैट लाइव, शिवामणि सर को भी करना चाहिए, शिवा भी करे, शिवा शिवामणि सर बोलने वाले थे कि मैं सिर्फ बजाता हूँ, हिलता नहीं हूँ, यू कैन प्ले बट यू कांट डांस, यू कैन डांस सर, यू डिड अ वेरी वेल, लाइक वेरी गुड जॉब, कूल, सो कैन वी हैव दैट हुक स्टेप सॉन्ग, राइट हैंड, Thank you so much. Thank you. So also because I'm here, I forgot to mention Sahil. Sahil bhi apna, please come on stage. Sahil bhi apna debut kar raha hai ye film mein. And bahut saal inhone background dancer mein bitaya hai. So maine bhi abhi gana bhi kiya inke saath abhi. Oh. And I feel very happy jab हमारे कैमरा के पीछे जो इतना टैलेंट होता है, और जेन्युइनली जितना टैलेंट कैमरा के पीछे होता है या जो लोग आपको सिखाते हैं, वो हीरो हीरोइन से बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, exactly. मतलब ये कोई बात करने की बात भी नहीं है, सो आई फील वेरी हैप्पी व्हेन पीपल गेट अ चांस, सो थैंक यू मास्टर जी फॉर गिविंग साहिल दिस चांस आल्सो, कांग्रेचुलेशन साहिल, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, हाउ आर यू फीलिंग साहिल, एक बार साहिल के लिए जोरदार तालियां हो जाए, थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे वो, थैंक यू सो मच, मैं क्या ही बोलूं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, और इस फिल्म से मेरी शुरुआत हो रही है, इससे बड़ी शुरुआत हो ही नहीं सकती, और इतना मुझे चांस दिया मास्टर जी ने, सपना था मेरा इनके साथ काम करना, बट इस तरीके से मैं आऊँगा इनके साथ मैंने कभी सोचा नहीं था, सो आई एम वेरी ब्लेस्ड, और वरुण भाई आपके साथ तो काफ़ी गाने किए एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर, और आज ये मौका मिला है मुझे खुद को एज एन एक्टर लाने का सबके सामने, और मैं सबकी ब्लेसिंग्स लेना चाहता हूं और इसी तरह आगे बढ़ना चाहता हूं लाइफ में, थैंक यू सो मच गाइस, ओके, थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक यू आर ऑलरेडी गेटिंग लॉट ऑफ लव फ्रॉम आवर ऑडियंस, बहुत प्यार दे रहे हैं आपके गाने को, ढेर सारे व्यूज मिल रहे हैं, सो अभी और प्यार मिलने वाला है, सो बी रेडी फॉर दैट, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और हमारे जो नेक्स्ट स्टार है इनके लिए भी तारिया, क्योंकि ये भी आने वाले स्टार हैं,
सो कंग्रेचुलेशन पूरी टीम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद. और मुझे लगता है कि अब जो हमारे निर्माता हैं उनके बिना तो मुझे लगता है ये स्टेज अधूरा है. सो कैन वी हैव द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, एक बार जोरदार तालियों के बीच आप सभी के बीच मैं बुलाना चाहूंगी ऑन द स्टेज नान अदर देन मिस्टर मनोज शर्मा जी. सो कैन वी हैव यू ऑन द फ्लोर प्लीज. प्लीज आए. और इतनी अमेजिंग खूबसूरत फिल्म आपने यहाँ पर बनाई है जिसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. बिफोर मूविंग ऑन आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि कितनी मेहनत लगी और कैसा रहा एक्सपीरियंस? ये फिल्म देहाती डिस्को, एक तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मास्टर जी के साथ काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने लॉकडाउन में मिलकर स्क्रिप्ट पे काम किया. और अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि मास्टर जी से एक्टिंग कैसी करवाई आपने? यस, मास्टर जी ने, हम लोगों ने मिलकर लिखी थी तो एक्टिंग कराना बहुत आसान हो गया था मेरे को, क्योंकि हर कैरेक्टर को हमने ही बुना था. तो आधा काम तो एज एन राइटर हमारे माइंड में चल ही रहा था. और मैं दिल से बोल रहा हूँ, इस फिल्म में मास्टर जी ने एक्टिंग में, अभिनय में बहुत हार्ड वर्क किया है. इस फिल्म में वो एक बच्चे के पिता बोला, अब जब ऑडियंस जब थिएटर में जाएगी पोस्टर देख कर तो लगेगा गणेश आचार्य जी मेन है और बच्चा मेन है, लेकिन वो भोला और भीमा के साथ रहेंगे. बहुत टची इमोशनल सीन है मास्टर जी के. और मैं थैंक यू कहूंगा अपने प्रोड्यूसर्स को, थैंक यू कहूंगा और पूरी टीम को थैंक कहूंगा. डायरेक्टर सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. आप बोलो लॉकडाउन में मैं सोच रहा था कि मैं मास्टर जी से एक्टिंग कैसे करूंगा, बट ये नहीं सोचा कि लॉकडाउन में मैं शूटिंग कैसे करूंगा. वो टिप्स दे दो हमें, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था. मैं जब झुक झुक कर रहा था तो मुझे खुद कोविड हो गया था 2-3 बार. सो एक्चुअली शूटिंग लॉकडाउन में या किसी का भी जो काम था आप लोगों का भी, तो वह डर डर, आप लोग भी फोटोग्राफर डर डर के खींचते थे, कभी कभी आउट फोकस हो जाता डर के वजह से. तो वो लॉकडाउन में सब डरे हुए लोग थे, आपने शूटिंग कैसे की वो वातावरण में? इस फिल्म पे एक तो हर हर महादेव शंकर भगवान का हमको आशीर्वाद शुरू से साथ रहा है. और ये वाकई हम लोग लकी थे लॉकडाउन में, हमारे प्रोड्यूसर कमल जी वासिम साहब सब ने लखनऊ में हमको 45 डेज पूरे फुल लॉकडाउन में और इतना क्राउड, इतने डांसर्स. लेकिन गॉड इज ग्रेट, जब सच्चाई से आप सच्ची नीयत से काम करना चाहते हैं तो ऊपर वाला आपके साथ होता है. सिंगल पर्सन को कोविड नहीं हुआ था और हमने बहुत अच्छी मेहनत करके आज फिल्म सामने आपके. थैंक यू वरुण, क्या बात है. सेफ्टी के साथ, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ था इसलिए आपने बहुत आराम से और मजे से ये फिल्म शूट की है. और जो मजे से शूट किया ना वो दिख रहा है स्क्रीन पे और ऑडियंस पसंद भी कर रही है ऑब्वियसली. सो आई थिंक हमारे दोनों स्टार्स यहाँ पर हैं. आपने तो इनकी मिमिक्री ऑलरेडी करके दिखा दी कि ये करते क्या है, लेकिन मैं सक्षम से जानना चाहूंगी, 3 क्वेश्चन पूछूंगी मैं आप दोनों से, देखते हैं कि कौन पहले हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर्स को बुला रहे हैं. या प्लीज 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 प्लीज. सो आई थिंक विदाउट टेकिंग टू मच टाइम इट्स टाइम टू कॉल द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस मूवी. सो कैन वी हैव प्रोड्यूसर? नहीं बुलाओगे तो इवेंट होगा ही, होगा कैसे? एब्सोल्युटली. अरे वाह, ये लाइट वाइट बंद हो जाता आप लोग प्लीज. Alright, so हमारे कुरेशी प्रोडक्शन से हमारे साथ हमारे प्रोड्यूसर्स यहाँ पर मौजूद हैं. सो कैन वी हैव आयुब कुरेशी जी एंड मिस्टर अमर खान ऑन द फ्लोर, प्लीज वेलकम. एंड फ्रॉम वन एंटरटेनमेंट आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज कमल किशोर मिश्रा जी. कैन वी हैव यू, प्लीज वेलकम. सो हियर वी हैव द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस फिल्म. और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप नहीं होते तो ये फिल्म बिल्कुल नहीं बनती. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. एक बार जोरदार ताली बजाए हमारे सारी टीम मेंबर्स के लिए. सो हियर वी हैव द देहाती डिस्को ऑन द स्टेज. सो चलिए फटाफट से हम हमारे जितने भी स्टार्स यहाँ पर मौजूद हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रोडक्शन टीम जो है, प्रोड्यूसर्स जो है, थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक आपके दोनों स्टार्स यहाँ पर है जिन्हें आपने बनाया है. और सक्षम बहुत एक्साइटेड है, सक्षम की आंखों में मुझे नजर आ रहा है क्योंकि बैक स्टेज भी ये बहुत एक्साइटेड था. तो ये आपके बारे में कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर देने वाले हैं. सो आपको डिसाइड दोनों. I'm going to ask to both of them and then going to answer both of them. देखते हैं सबसे ज्यादा quick कौन है. So let's see. And the first question is कि मास्टर जी की फेवरेट फिल्म कौन सी है? Anyone? Disco. Yeah. भाई ये बहुत आगे जाने वाला है, बहुत आगे जाने वाला है ये. वारा नहीं इसको. It's a मराठी फिल्म. हाँ, भिखारी. करेक्ट. मुझे बताया था उसके बारे में. सो द सेकंड क्वेश्चन इज मास्टर जी का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? गाना
फेवरेट सॉन्ग. इट्स नॉट अ सॉन्ग व्हिच ही इज कोरियोग्राफ, पुराना गाना है कोई. हां, व्हिच वन? अब उसकी उस दिन वो हॉल में रिहर्सल भी कर रहे थे मास्टर जी सबके साथ, उस पे कुछ स्टेप बिठा रहे थे. बहुत पुराना गाना है. यू नो सक्षम कौन सा है? वन इज वरुण इज आल्सो गेस्ट. ओल्ड सॉन्ग ओनली ना. हां, हुस्ने सुहाना. नहीं नहीं नहीं, इट्स अ ओल्ड सॉन्ग. वही वही आपके मास्टर जी ने किया है मेरे को लग रहा है. कमल मास्टर जी का कोई गाना होगा. हम का हतोरी गली में वाला गाना. यू नो ऑल द आंसर्स. आई कुडंट रिमेंबर द नेम्स बट आई नो बिकॉज़ बातचीत में कभी कभी निकल जाता है ये सब. ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास्टर जी की तीन हुक स्टेप करके दिखाएंगे दोनों. रेडी? सो दिस इज द ऑर्डर एंड दे हैव टू फॉलो इट. देहाती, सॉरी, पहले तो देहाती डिस्को की. लेट्स. Yeah, and the second one. Yeah, ये I think मुझे लगता है कि मेरे साथ ही किया था वो बदरी की. Yes, absolutely, absolutely. ये हमारे स्टार, इमर्जिंग स्टार हमारे साथ हैं सक्षम. कंग्रेचुलेशन टू यू. थैंक यू सो मच वरुण फॉर कमिंग हियर एंड जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच गाइस, एंड थैंक यू मास्टर जी. प्लीज एवरीवन, प्लीज गो वॉच देहाती डिस्को इन थिएटर्स 27 मई. आपके थिएटर्स में आने वाली, मतलब अभी अभी, मतलब अभी थोड़ा गर्मी कम होने ही वाली, आप थिएटर में जाओ, एसी में जाके मजा लो प्लीज एवरीवन. एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम. कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो बेटा, एंड साहिल यू ऑल्सो फॉर योर डेब्यू. Best of luck and thank you, sir. Pleasure meeting. Thank you so much. Master Ji, कुछ कहना चाहेंगे आप, please? मैं एक ही बात बोलूँगा कि मैं इस बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वरुण को, क्योंकि मैं इसके साथ इमोशनली बहुत जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं डेविड जी के साथ जुड़ा हूँ और डेविड जी का लड़का है वरुण. मतलब मुझे कभी भी इसके साथ गाने करता हूँ ना, तो मैं ये जरा भी नहीं सोचता, मैं मतलब जितना फोकस कर सकता, नहीं, ये मेरे घर का बेटा है, मेरा घर का बेटा है, इसको ठीक करना चाहिए. तो मैं जब भी गाना करता हूँ तो एक इमोशनली मेरा अटैचमेंट रहता है, और वरुण वो अटैचमेंट हमेशा दिखाता है. मैं जब भी उसे बुलाऊं तो यहाँ आता है मेरे किसी भी फंक्शन में, हर हमेशा मुझे बहुत प्यार देता है. एक सेकेंड एक कॉल लगाओ इमिजिएटली उठाता है. ये बहुत रेयर होता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उठते हुए फोन, लेकिन वरुण एक सेकेंड मेरा फोन उठाता है और प्यार दिखाता है. लव यू वरुण. थैंक्स. So we all love you, Varun. Thank you so much. And can we have a group picture together? So can we have that? And I like to share. No, I'm also a big fan of Varun. Awesome, man. You are great. So yeah, they are the disco. मेरी वाइफ को बुला लो विधि और रुना जी, आप प्लीज आजा. अजी कम. सर, आपकी सक्सेस के पीछे इनका ही हाथ है. बहुत बड़ा है. प्लीज. And she is your daughter, sir? My daughter. She is your daughter. What's her name? Milana. What's your name? Milana. Lana? Oh, she's shying, huh? So let's have a group picture together. So ye hai hamari Dehati Disco ki team. Aap sabhi ki ek baar zordar taaliyan for this whole team. Thank you so much. मास्टर जी, ये आदमी ने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. ये आदमी वो बहुत लॉकडाउन में बहुत चुप था, वो उदास हो रहा है, वो उधर बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, कुछ नहीं हो जाता, बहुत भयानक आदमी, आप जानते रहे हो. ही हैज लॉट ऑफ क्वेश्चंस. जिसके जिंदगी में कुछ चल रहा है वो वही पकड़ता है. आपके साथ ये हादसा हुआ था, आपको कैसे लगता है? आप गिर गए थे, कैसा लगता है आपको? वो वेट लॉकडाउन में पूछ ही नहीं सका किसी से कुछ प्रश्न, तो रुका, बहुत अंदर भरा हुआ है उसके अंदर कि कब मैं कॉन्ट्रोवर्शियल मैं पूछूं कब. तूने बहुत पूछा है कि यार मैम से देखा मैंने. तू कौन लिखता, कौन है तेरे लिए प्रश्न सोचते थे? किसका आदमी है तू? स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन साहब अकेले. नो बट आई एम जेन्युइनली, मैंने मिस किया तेरे को, क्योंकि अभी देख रहा हूँ, होप यू आर गुड. माइक बंद दो इसको, अभी मैं जा रहा हूँ, फिर दे दो. उनके दिल में बहुत सारी चीजें सब बोल देंगे वरना. सो थैंक यू सो मच, एंड आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट द कास्ट ऑफ दिस मूवी एंड एज वेल एज द होल टीम टू प्लीज बी हियर विद अस ऑन द स्टेज. एंड आई नो दैट मीडिया मेंबर्स ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन.
So for Q&A, I just want to request be here with us. मैं आप सभी से request करना चाहूँगी. Question answers हम बहुत ही जल्द शुरू करेंगे. एक बड़ा एक खींचना. वरुण का हम बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे. थैंक यू सो सो मच ऑन बिहाफ ऑफ देहाती डिस्को एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स फॉर कमिंग हियर एंड जॉइनिंग अस हियर एंड मेकिंग दिस वंडरफुल इवनिंग मोर वंडरफुल. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. एंड इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे सभी मीडिया मेंबर से कि थोड़ा काम रहे, आराम से पिक्चर्स क्लिक करें एंड देन वी स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर. Don't miss any picture, just be here with us. Anil Raja, thank you. Anything else? Thank you very much. I have to thank Nakul. Yes, he's the singer, this film, and he has done a wonderful in this lockdown.